नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एम्पीरियल फार्मिंग के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 अगस्त हो चुका है और 45 दिन की फसल हो चुकी है। इसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे हो गया है, यूरिया हो गया है और इसकी निंदाई हो गई है। अब फसल थोड़ा ग्रोथ में आ गई है। ये है शिखर की 8199 ब्राइटी, अब लगभग 5 फीट के आसपास आ गई है, 4.5 फीट। काफ़ी अच्छी फसल दिख रही है, हमने धार विधि में बोया है जिसके सारे वीडियो हैं। और इधर साइड हमने धार विधि में तो बोया, लेकिन ये खेत थोड़ा कमज़ोर था तो हमने इसमें टॉनिक का उपयोग किया था और यूरिया का उपयोग किया था मिलाकर चिपको डालकर। तो इसमें हमको अभी लगभग 75% असर देखने को मिल गया है कि ये देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर पौधे दिख रहे हैं। कुछ जगहों पर ये जल गए थे, दवाई पंप में रही होगी थोड़ा बहुत तो, लेकिन उधर साइड भी थोड़ा झील में बैठे बैठ गए थे, अब थोड़ा थोड़ा उठ रहे हैं। 25% भट्टे समझ सकते हैं कि थोड़ा ऐसे कमज़ोर हैं, बाकी 75% ठीक हो गए हैं। जो कि 20% ठीक रहते थे वो 75% ठीक हो गए हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है दवाई का, उसका नाम भी बता देते हैं हम आपको। ये देख सकते हैं आप, डियाप्रो कंपनी की है ये, इसमें पूरे पोषक तत्व हैं। और इसको हमने 20 ml प्रति पंप के हिसाब से डाला था। ये देखिए पानी पूरा भरकर आ रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है इसमें। और दूसरी बार किसान भाइयों जब खाद रखते हैं तो उसमें आप MOP का उपयोग कर सकते हैं, यदि आपने DAP डालकर बोया है तो। नहीं तो आप जो बायोबीटा आता है उसको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ रखवा सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। वो 50 से 55 दिन 60 दिन की अवस्था में ठीक रहता है, क्योंकि पौधे को तब आवश्यकता रहती है। अभी पौधा क्या बन रहा है तब उसमें फल फूल बनेंगे, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहेगी, तो तब वो काम आती है। तो जिसमें से जो भुट्टे में चमक आएगी, वजन बढ़ेगा और दाने भी ज़्यादा भराव होगा, और गोही पतली आती है तो वजन भी ज़्यादा उतरेगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम भी इसमें अभी यूरिया रखवाएंगे, MOP मिलाएंगे, या फिर हम इसमें मिलाएंगे बायोबीटा, जिससे कि अभी काफ़ी हरापन आ गया है। आप 10-15 दिन पहले की वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर था, और अभी हमने 4-5 दिन पहले वीडियो डाला था तब थोड़ा अच्छा था, और अब थोड़ा 10% ग्रोथ आ गई है 4-5 दिनों में। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार हो गए अप्रैल का, वो अगस्त का महीना चालू हो गया है, 2 दिन होंगे लगातार बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर चुका है। अब थोड़ा खेत समतल दिखने लगा है, वो वाला खेत थोड़ा ठीक है, और वो ऊपर की बंदियाँ जो सुंगरो वगैरह ने खा ली थी तो वो तो थोड़ा कमज़ोर दिख रही है अभी भी, पतला मक्का होने के कारण। खरपतवार का निदान हो गया है, हमने खुद ही कर दिया था इसमें। और ये देखिए धारों से नाली से पानी आते जा रहा है, किनारे से फिर ये नाले में जा रहा है जैसा कि आपने देखा है। और ये थोड़ा पहले के बोनी थी, एक दो दिन, ये 16 जून की थी, और ये एक आध दिन आगे की रही होगी शायद, ये 1-2 दिन आगे की। तो इसमें थोड़ा खड़े पत्ते आने लगे हैं, ये पानियर का मक्का है ये वाला, ये गिर भी गया था तो हवा तूफान में उड़ गया है ये। 80% ठीक हो गया है, 20% कमज़ोर हैं। अभी खाद रखेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछले साल बहुत कमज़ोर था, एक ही ट्राली भुट्टा निकला था इसमें, लगभग 10 क्विंटल 2 एकड़ में। इस बार काफ़ी अच्छी उम्मीद है, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और 55 से 65 दिन 65 दिन के अंदर बायोबीटा का उपयोग करें, फसल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।